नमस्कार दोस्तों, आज आप इस वीडियो में देखेंगे रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग ऑफ डेक स्लैब विथ बीबीएस एंड ड्राइंग के अनुसार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इसमें क्रैश बैरियर का हाइट दो है, दोनों डिफरेंस है, इसमें जो रेलिंग है उसका भी हाइट डिफरेंस है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रेलिंग है, रेलिंग और ये बीच में फुटपाथ 1.5 मीटर का, और ये क्रैश बैरियर, इसका क्रैश बैरियर का हाइट कितना होना है, और उसके साथ जो दूसरे साइड है, साइड का ये क्रैश बैरियर है, इसके साथ में ये रेलिंग नहीं है, ना ही इसमें फुटपाथ है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसका कितना हाइट होगा। मेरा नाम है राम लखन यादव और आप देख रहे हैं BBS वाला हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो ड्राइंग है डेक स्लैब का प्लान है, जिसमें आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 गटर है, और इसमें ये RCC क्रैश बैरियर है और ये रेलिंग है, एक साइड ही रेलिंग दिया हुआ है इसमें और दूसरे साइड में सिर्फ क्रैश बैरियर है। डेक का जो विथ है 12.5 मीटर है, और इसमें जो फुटपाथ है 1.5 मीटर का है, 500 का रेलिंग है और ये 500 का क्रैश बैरियर है। इसके जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन में भी आप क्लियरली देख सकते हैं, जो फॉर्मेशन विथ है डेक का 12.5 मीटर, कैरियज वे इसमें 9 मीटर 500 का है, और ये क्रैश बैरियर दोनों साइड 500 500, और ये एक साइड एंड में रेलिंग है। ये हो गया दोस्तों पूरा डाइमेंशनल डिटेल ड्राइंग। अब हम देखेंगे इसका BBS। ये रिइंफोर्समेंट डिटेल दिया हुआ है, प्लान शोइंग रिइंफोर्समेंट फॉर डेक स्लैब। रिइंफोर्समेंट जो शेड्यूल दिया हुआ है, इसमें 12 मार्क नंबर 1 है, 12 का डाया है, 100 का सेंट्रल सेंटर स्पेसिंग है, और उसका ये शेप दिया हुआ है। तो यहाँ पे ड्राइंग में कैसे दिया हुआ है उसको सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर साइड पे दिखाता है। ये है दोस्तों 12 मार्क नंबर 1, जो कि जो एंड डायफ्राम है वहाँ से और ये दूसरे एंड डायफ्राम तक ये दिया हुआ है। जो ये बॉटम डॉटेड लाइन शो कर रहा है, इसका मतलब ये बॉटम रिइंफोर्समेंट है। इसको हमने BBS से निकाला है दोस्तों। ये बॉटम मेन बार है 12 मार्क नंबर 1, इसका जो L होगा दोनों तरफ 100 mm होगा, और ये 12.5 मीटर का है, 45 mm इसका क्लियर कवर है, तो 12.5 मीटर में से 90 mm माइनस कर देंगे तो 12.410 मीटर है इसका विथ है। ये 100 का स्पेसिंग से 390 mm आएगा। अब दोस्तों, मैं 12 मार्क नंबर 1 जो है उसको साइड पे दिखा रहा हूँ। ये जो बॉटम में स्टील दिख रहा है, ये मेन बार है, जो कि ये डायरेक्शन है 12.410 मीटर, ये 12.500 मीटर के डायरेक्शन में है, और नंबर ऑफ प्लेसिंग जो हुआ है ये पूरा 40.5 मीटर के डायरेक्शन में ये रिइंफोर्समेंट को प्लेसिंग किया गया है। उसके बाद से दोस्तों, इसमें 12 मार्क नंबर 2 16 का है, 200 का सेंटर स्पेसिंग अल्टरनेट विथ 5। ड्राइंग में आप देख सकते हैं, ये 12 मार्क नंबर जो 2 है, ये जो नंबर ऑफ प्लेसिंग है ड्राइंग में दिखा रखा है 40.5 मीटर के डायरेक्शन में, और जो स्टील प्लेसिंग होगा ये 12.5 मीटर के विथ में होगा। ये टॉप मेन बार है, आप देख सकते हैं, ये जो डॉटेड लाइन है ये बॉटम है, और ये डार्क लाइन शो किया हुआ है, ये टॉप मेन बार है। इसको अब मैं आपको साइड पे दिखा रहा हूँ। इसमें जो ये दोस्तों टॉप का रिइंफोर्समेंट है, ये 12 मार्क नंबर 2 है, 16 का डाया है, 200 सेंटर सेंटर स्पेसिंग है, ये नंबर ऑफ प्लेसिंग 40.5 मीटर के डायरेक्शन में ये थ्रू आउट ऑफ द स्लैब किया गया है, और इसका जो लेंथ है सरिया का 12.410 मीटर के लेंथ में प्लेसिंग किया गया है। ड्राइंग के जो सेक्शन AA है, इसमें आप देख सकते हैं, ये बॉटम का मेन बार जो मैंने आपको दिखा दिया, ये मैंने टॉप का 16 का जो डाया है 200 का स्पेसिंग से दिखा दिया, इसके साथ में ये 5 नंबर आ रहा है। 5 नंबर कौन सा है ये देखिए, ये 12 मार्क नंबर 5 10 का डाया है, 200 इसका सेंटर सेंटर स्पेसिंग है, ये जो है अल्टरनेट विथ 2। ये 16 का जो डाया है उसके साथ में ये अल्टरनेट 200 का
स्पेसिंग से इसको प्लेसिंग किया गया है। ये बार मार्क नंबर 5 सेम थ्रू आउट 40 मीटर स्पान के डायरेक्शन में। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट जो है बार मार्क नंबर 3 12 का डाया 200 का स्पेसिंग। ये बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार है, आप BBS में देख सकते हैं। बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार जो 40 मीटर 410 इंच का लेंथ है, 250 और 250 इंच का L है। ये 250 L क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो एंड फेस में है इसका जो थिकनेस है 400 mm है, इसीलिए यहाँ पे 250 का L दिया है ताकि ये बॉटम और टॉप से दोनों आकर के लैप हो जाएगा। सेक्शन AM में आप देख सकते हैं जो बार मार्क नंबर 3 है और इसके साथ 3A भी है। ये जो बॉटम में डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। और अब 3A कहाँ पे दिया हुआ है मैं आपको प्लान में दिखा रहा हूँ। देखिए जो बार मार्क नंबर 3A है वो बॉटम में भी दिया हुआ है और ये टॉप में भी दिया हुआ है। उसका साइज क्या है, 1500 और 1500 जो इंटरमीडिएट गडर है वहाँ से एक साइड 1500 दूसरे साइड 1500 यानी कि 3 मीटर 300 का, ये इसमें 3 नंबर ऑफ इंटरमीडिएट क्रॉस गडर है, 1 2 3, ये तीनों पे 3A बार मार्क प्लेसिंग होगा। इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ BBS में, उसके बाद से साइड पे। देखिए दोस्तों ये बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार एक्स्ट्रा बार है, 3 मीटर 300 है, 10 कटाया 200 का स्पेसिंग, 174 नंबर ये आएगा। ये दोस्तों इंटरमीडिएट क्रॉस गडर है जिसमें आप देख सकते हैं ये टॉप का डिस्ट्रीब्यूशन बार है जो 40 मीटर के लेंथ में जा रहा है। जस्ट इसी का सेंटर में ये 3 मीटर 300 का जो दिया गया है 10 mm का लेंथ, 3 मीटर 300 और यहाँ से 1500 है, ये इंटरमीडिएट क्रॉस गडर है। यहाँ से 1500 इधर और यहाँ से 1500 इधर, ये पूरा रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग थ्रू आउट ऑफ द विथ किया गया है तीनों इंटरमीडिएट क्रॉस गडर में। उसी तरह से बार मार्क नंबर 4 और 4A है टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन ये एक्स्ट्रा बार जो है ये दिया गया है। ये जो 3A हो गया बॉटम का और ये 4A हो गया टॉप का। बार मार्क नंबर 5 मैंने आपको दिखा दिया, बार मार्क नंबर 6 16 का डाया है, 200 का स्पेसिंग और ये L शेप में रहेगा। इसको ड्राइंग में कैसे दिया है तो आप देख सकते हैं N डायफ्राम है, वहाँ से ये 6 मीटर है और ये थ्रू आउट ऑफ द विथ है क्रेस्ट बैरियर छोड़ करके। ये दोस्तों रेलवे ओवर ब्रिज है जिसमें आप देख सकते हैं ये ट्रेन भी जा रहा है। यहाँ पे बो स्ट्रिंग गडर आएगा और ये उसके अलावा जो पोर्शन है उसका काम हो रहा है। मार्क नंबर जो 6 दिखा रहा था जो ड्राइंग में दिया हुआ है यहाँ पे आकर के एंड कर रहा है बार मार्क नंबर 6, कहाँ से, एंड डायफ्राम का एंड से यहाँ तक आ रहा है 6 मीटर का लेंथ में। और ये जो नंबर ऑफ प्लेसिंग है 12 मीटर 500 के विथ में ये प्लेसिंग होगा। सिर्फ क्रेस्ट बैरियर का जो प्लेस है 500 का और दोनों साइड में छोड़ करके बाकी ये रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग किया गया है 200 का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। उसके बाद से दोस्तों बार मार्क नंबर जो 7 है 12 का डाया है 200 का स्पेसिंग, ये एंड फेस में आएगा। आप देख सकते हैं ये ड्राइंग में ये बार मार्क नंबर 7 है जो एंड क्रॉस गडर है वहाँ पे ये L आ रहा है और ऐसे जा करके यहाँ तक आ रहा है, इस शेप में ये आएगा। ये बार मार्क नंबर जो BBS में मैंने बनाया है 7 बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार साइड कॉर्नर फेस का है, 200 L एक साइड, एक साइड 150 का L है और इसका जो लेंथ है 930 mm का है, ये 116 नंबर आ रहा है दोनों साइड मिला करके। उसके बाद से बार मार्क नंबर जो 8 है 16 का है, 200 का स्पेसिंग है। जो 8 है कैंटिलीवर पोर्शन साइड में आएगा जहाँ पे स्लोप स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे ये चारों कॉर्नर पे प्लेसिंग होगा, यहाँ पे, यहाँ भी और यहाँ और यहाँ पे। BBS बनाया है स्लैब बॉटम मेन बार एंड फेस का, 250 का L है, 420
फिर 915 का ये स्लोप पोर्शन है और 300 का है, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ साइड पे। ये दोस्तों कैंटिलीवर पार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं ये 16 का है, 300 का एल, यहाँ से ये 915, फिर यहाँ से ये रिइंफोर्समेंट आ रहा है, वहाँ तक आ रहा है। ये एंड साइड है कैंटिलीवर पोर्शन का, यहाँ पे जो स्लोप है 500 का है, जैसा कि आप देख सकते हैं सेक्शन सीसी में 475, उसके बाद से ये 500 का स्लोप, इसी में ये रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग होगा। उसके बाद से दोस्तों ये 9, 10, 11, 12 ये कॉर्नर फेस में प्रोवाइड किया गया है, जो 12 और 13 है वो नॉट यू 12 और 13 यूज नहीं होगा। अब दोस्तों मैं आपको क्रैश बैरियर का भी बेस दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं वर्टिकल आउटर फेस है। मैंने आपको बताया था दो टाइप का क्रैश बैरियर है, पहला क्रैश बैरियर का जो हाइट है 900 का है, दूसरा 1100 का है बीसी टॉप लेवल से। ये क्यों है, क्योंकि जहाँ पे रेलिंग नहीं रहता है वहाँ पे क्रैश बैरियर का हाइट जो है बीसी टॉप से 1100 रहता है, और जहाँ पे रेलिंग है रेलिंग पे जो क्रैश बैरियर का हाइट है वो 900 रहता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है जो रेलिंग में क्रैश बैरियर का हाइट कितना होता है, तो वहाँ पे 900, विदाउट रेलिंग जहाँ पे क्रैश बैरियर का हाइट जो है 1100 का होता है। ये क्रैश बैरियर का आउटर रिइंफोर्समेंट है मेन, और ये इनर रिइंफोर्समेंट है। ये पूरा थ्रू आउट ऑफ द 40 मीटर स्पान में प्लेसिंग किया गया है। यहाँ पे दोस्तों जो क्रैश बैरियर का हाइट है वो 900 का है, और यहाँ पे ये रेलिंग है, रेलिंग में नीचे कर्व है, उसके बाद से वर्टिकल पोस्ट एज पर ड्राइंग के अनुसार जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 1.5 मीटर, उसके अनुसार ये प्लेसिंग किया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।